कमलनाथ सरकार द्वारा वंदे मातरम गान पर रोक लगाने से सियासत गर्मा गई है। बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने वल्लभ भवन पहुंचकर वंदे मातरम गाया और कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ आखिरकार बीजेपी सड़क पर उतर गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में वंदे मातरम को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी क्रम में कमलनाथ सरकार के उस फैसले का विरोध बीजेपी ने शुरू कर दिया है, जिसमें मंत्रालय में वंदे मातरम के गायन पर रोक लगाई गई है। बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने वल्लभ भवन में कूच की और वंदे मातरम गाया। इस दौरान विधायक विश्वास सारंग, विष्णु खत्री, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ सिंह मौजूद रहे और इसे एक बड़ा अपमान बताया। देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की आजादी के लिए हजारों हजारों क्रांतिकारी द्वारा गाया हुआ गान है और इसका जिस प्रकार से अपमान किया गया है ये आपत्तिजनक है और इसीलिए आज हमने ये शुरू किया है और इससे कांग्रेस की सरकार की मानसिकता प्रकट हुई। वहीं इस मामले में कमलनाथ सरकार की तरफ से सफाई भी पेश की गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ के हवाले से दिए गए बयान में कहा गया है कि यह निर्णय ना किसी एजेंडे के तहत लिया गया है और ना ही हमारा वंदे मातरम गायन को लेकर कोई विरोध है। वंदे मातरम हमारे दिल की गहराइयों में बसा है, हम भी समय समय पर इसका गायन करते हैं। मुख्यमंत्री ने जारी आदेश में कहा है कि वे वंदे मातरम को वापस प्रारंभ करेंगे लेकिन एक अलग रूप में करेंगे। लेकिन उनका यह भी मानना है कि सिर्फ एक दिन वंदे मातरम गायन करने से किसी की देशभक्ति या राष्ट्रीयता परिलक्षित नहीं होती। देशभक्ति व राष्ट्रीयता को सिर्फ एक दिन में वंदे मातरम गायन से जोड़ना गलत है। वहीं इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में कूद गए और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शायद यह भूल गई है कि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन देश और देशभक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं। मैं मांग करता हूं कि वंदे मातरम का गान हमेशा की तरह कैबिनेट की मीटिंग से पहले और हर महीने की पहली तारीख को हमेशा की तरह वल्लभ भवन प्रांगण में हो। अगर कांग्रेस को राष्ट्रगीत के शब्द नहीं आते हैं या फिर राष्ट्रगीत के गायन में शर्म आती है तो मुझे बता दें, हर महीने की पहली तारीख को वल्लभ भवन के प्रांगण में जनता के साथ वंदे मातरम मैं गाऊंगा। सरकारें आती रहती है जाती रहती है लेकिन देशभक्ति और देश सब दलों से ऊपर है, सब सरकारों से ऊपर है। मैं प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से ये मांग करता हूं कि वंदे मातरम का गान पूर्ववत कैबिनेट की बैठक के पूर्व और हर महीने की एक तारीख को वल्लभ भवन के प्रांगण में कराया जाना चाहिए और यदि वो इसको नहीं करते तो मैं स्वयं देशभक्तों के साथ वंदे मातरम का गान वल्लभ भवन के प्रांगण में करूंगा। उधर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कमलनाथ सरकार से पूछा कि वे स्पष्ट करें कि किसके दबाव में वंदे मातरम नहीं गाया गया। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वंदे मातरम बोलने से कुछ लोगों को आपत्ति है, क्या उनके दबाव में उन्होंने वंदे मातरम वल्लभ भवन बंद करवाया? क्योंकि इस देश में कई बार वंदे मातरम पे विवाद हुआ है, लोगों ने वंदे मातरम का विरोध किया है। क्या उस विरोध के कारण उन लोगों के दबाव में कमलनाथ जी ने वंदे मातरम बंद कराया? ये स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। कुल मिलाकर सचिवालय में महीने की पहली तारीख को वंदे मातरम गाने की 13 साल पुरानी परंपरा टूटने पर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ आमने सामने आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
एमपी न्यूज भोपाल।